नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रोकली की उन्नत खेती के बारे में। साथियों, ब्रोकली की डिमांड बड़े बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि बड़े शहरों में ब्रोकली का जो औसत भाव है वो 100 किलोग्राम तक देखने को मिलता है, लेकिन छोटे शहरों में भी इसकी डिमांड कम नहीं है। तो ब्रोकली की संपूर्ण खेती कैसे करें और कब करें, कितनी लागत आएगी, कौन कौन सी आवश्यक बातों को ध्यान में रखना है, इन सभी का हम संपूर्ण एक एकड़ ब्रोकली की खेती का एनालिसिस करेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाइयों, एक एकड़ में ब्रोकली की खेती करने के लिए हम इन 5 बिंदुओं के आधार पर पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। तो पहला बिंदु है हमारा कि लागत कितनी लगेगी, उत्पादन कितना होगा, और तीसरा समय कितना लगेगा, और आमदनी कितनी होगी, और शुद्ध मुनाफा कितना होगा एक एकड़ ब्रोकली की खेती करने से। इसके साथ ही किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि ब्रोकली की खेती के साथ आप और कौन सी फसलें हैं जिनका आप इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं एक एकड़ ब्रोकली की खेती में कितनी लागत आती है। तो यदि हम ब्रोकली की खेती कर रहे हैं तो साधारण क्यारी विधि से बीज की बुआई करेंगे तो 130 ग्राम आवश्यकता होगी, और कोकोपिट या पोर्ट्रेज के माध्यम से बुआई करेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे, तो 100 ग्राम बीज की मात्रा लगती है। ओपन फील्ड में किसान भाइयों 120 ग्राम बीज की मात्रा लगती है क्यारी विधि से खेती करने पर, नर्सरी तैयार करने में। और अब यदि हमने नर्सरी के लिए बीजों का चुनाव किया है सकाटा ग्रीन कंपनी का, तो एक एकड़ में बीज लगेगा 100 ग्राम, 550 रुपये का पैकेट आता है, तो 5550 रुपये। इस तरह हमारा एक एकड़ में बीज का खर्चा आएगा 5550 रुपये। किसान भाइयों, अब 5550 रुपये बीज का खर्चा हो गया। अब हम पोर्ट्रेज और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का खर्चा आएगा हमारा 1100 रुपये, नर्सरी तैयार करने के लिए लगाते हैं। और खेत की तैयारी का खर्चा आएगा 4000 रुपये, ट्रांसप्लांटिंग का खर्चा हमारा आएगा 2000 रुपये, यदि हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो 2000, और रासायनिक खाद और माइक्रो न्यूट्रिएंट का खर्चा आएगा 4500 रुपये किसान भाइयों। और इसके अलावा स्प्रे का खर्चा आएगा 4000 रुपये, हम स्प्रे करेंगे। और इसके साथ ही किसान भाइयों, हमारा निराई गुड़ाई लेबर का खर्चा आएगा 5000 रुपये। ट्रांसपोर्ट का खर्चा किसान भाइयों, यदि मंडी से दूरी खेत की ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगा और कम है तो कम आएगा, ये निर्भर करता है दूरी पर, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा 1000 रुपये। अब इस तरह से किसान भाइयों, हमारा जो एक एकड़ में लागत है 27100 रुपये। इस प्रकार हमारी एक एकड़ ब्रोकली की खेती में लागत आई 27100 रुपये। इस प्रकार यदि हम परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल के निराई गुड़ाई करते हैं तो खर्चा हमारा और भी कम हो सकता है। किसान भाइयों, हम खर्चे के बाद चलते हैं अगले बिंदु पर कि हमारा जो ब्रोकली का फसल से कितना उत्पादन होता है एक एकड़ से। तो हम देखते हैं ब्रोकली के जो फूल का साइज है वो 300 से लेकर 500 ग्राम तक का देखने को मिलता है। ये बहुत कम देखने को मिलता है फूल गोभी और पत्ता गोभी की तुलना में किसान भाइयों। तो इस प्रकार हमारा ब्रोकली का जो एक एकड़ से उत्पादन हुआ तो 36 क्विंटल हमें उत्पादन मिल जाता है। यदि हम औसत 400 ग्राम का जो ब्रोकली का फूल साइज है वो 400 ग्राम मान के चले तो 36 क्विंटल हमारा एक एकड़ ब्रोकली की खेती से उत्पादन होता है। अब हमारा अगला बिंदु है किसान भाइयों, ब्रोकली की खेती करने का सही समय और लाइफ साइकिल कितनी होती है। ब्रोकली की नर्सरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में तैयार कर सकते हैं किसान भाइयों। ब्रोकली की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है, और अगर आप कोकोपिट में प्रोट्रे के माध्यम से तैयार करते हैं तो 25 दिन के अंदर अंदर पौधों का ट्रांसप्लांट करना होगा आपको। ट्रांसप्लांटिंग के लिए दूरी की बात करें किसान भाइयों, तो दूरी दो लाइन के बीच की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 1 फीट रखनी है।
यानी कि 1x1 फीट की दूरी हमें रखनी चाहिए। अब हम ब्रोकली की ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 2.5 माह बाद उत्पादन हमें मिलने लगता है और 1 माह तक हमारा उत्पादन चलता है। तो इस प्रकार ब्रोकली की जो लाइफ साइकिल हुई वो 4 महीने की हुई। किसान भाइयों, 4 महीने की लाइफ साइकिल हुई। साथियों, 1 एकड़ ब्रोकली की खेती करने पर हमें आमदनी कितनी होगी? तो यदि हम आमदनी की बात करें 1 एकड़ ब्रोकली में, तो ब्रोकली का थोक भाव बड़े शहरों में हमें 100 से 150 रुपये तक मिल जाता है और छोटे शहरों में हमें ब्रोकली का जो थोक भाव है किसान भाइयों, वो हमें कम देखने को मिलता है। इसलिए यदि हम एवरेज रेट की बात करें तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम का हमें एवरेज रेट मिला और 36 क्विंटल उत्पादन हुआ। तो इस प्रकार हमें 1 एकड़ ब्रोकली की फसल से आमदनी हुई 1,08,000 रुपये। किसान भाइयों, तो 1,08,000 रुपये आमदनी हुई हमें ब्रोकली की 1 एकड़ फसल से। अब किसान भाइयों, यदि आप ब्रोकली की खेती कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इंटरक्रॉपिंग के रूप में कुछ फसलें लगा सकते हैं, जैसे रूट वेजिटेबल्स हैं और फ्रेंच बीन्स आप लगा सकते हैं। रूट वेजिटेबल्स में आप जैसे चुकंदर है, मूली है, इनको आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम ब्रोकली की खेती से नेट प्रॉफिट की बात करें, शुद्ध मुनाफे की बात करें, तो ब्रोकली की खेती में हमारी जो लागत लगी है उसको हम माइनस कर देंगे, जो हमारा ब्रोकली की खेती से उत्पादन हुआ है, जो हमें आमदनी प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से हमें ब्रोकली की 1 एकड़ खेती से हमें जो शुद्ध मुनाफा है वो हम निकाल लेते हैं, वो हमें मिलता है। किसान भाइयों, आमदनी हुई थी 1,08,000 रुपये, लागत लगी थी 27,100 रुपये, तो नेट प्रॉफिट हमारा हुआ 70,900 रुपये। तो 1 एकड़ ब्रोकली की खेती से हमें 70,900 रुपये नेट प्रॉफिट प्राप्त होगी। किसान भाइयों, इस प्रकार से हम ब्रोकली की खेती के साथ अब आपको बताने वाले हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में आप रूट वेजिटेबल्स और फ्रेंच बीन की इंटरक्रॉपिंग करके अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। बीच में जो क्यारियों के स्पेस होती है, जगह होती है, वहाँ पर आप मूली और चुकंदर की बुआई कर सकते हैं और उससे अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को